हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप भी अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है रॉनी का एनुअल फंक्शन, तो बस रॉनी रेडी हो गया है। तो आज रॉनी का फंक्शन है स्कूल में, रॉनी जा रहा है। रॉनी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना, ठीक है? घबरा तो नहीं रहे, डरना नहीं है ना। मिस्टू भैया को बोल दो बेस्ट ऑफ लक भैया, अच्छे से करना, ठीक है? ठीक है रॉनी, हम आएंगे दिन में। मिस्टू प्यार कर रही है उन्हें भैया को। तो आज आना है हमें रॉनी के एनुअल फंक्शन में। तो अभी ऑफिस से आ गए हैं, तो अब चलते हैं फटाफट से। गए हैं बट जाम में फंस गए हैं, है ना मिस्टू? पापा कितना लेट आया ना, बोलो पापा को। पापा बहुत लेट कर दी पापा ने ऑफिस में, अब बाहर जाम ही जाम लगा हुआ है, फंस गए जाम में। हाँ इधर देखो, पहले इधर देखो, उधर देखो, इधर देखो, लेट क्यों आए जवाब दो। लेट हो गया, 12:30 बजे बोला था और कितने बजे आए? 2 बजे। लेट कर, बहुत ज्यादा लेट हो गए हम लोग, उस टाइम से पहुंच जाए। कैटी लेके आई। मिस्टू कहाँ जा रहे हो आप? नाम खुल गया है, हाँ हर जगह देखी जाती है। उत्तराखंड की नहीं देखी थी हमने गाड़ी, तो बस अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुंचने में। तो गाइस ये मेट्रो स्टेशन है यहाँ का, क्या अच्छा लग रहा है कलर बोलना। तो गाइस पहुंच गए हैं, तो यहाँ यहीं पे रॉनी का फंक्शन हो रहा है। पांच मिनट लेट हो चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। खैर पेरेंट्स लोग जा रहे हैं। मिस्टू लड़की देख भी नहीं रही। देखते हैं कहाँ आगे सीट मिलती है अगर। तो गाइस पहुंच गए हैं फटाफट से हम लोग, लेट नहीं हुए हैं बिल्कुल भी। अभी कई लोग अभी आ रहे हैं, काफी भीड़ हो रही है यहाँ पर। गुड इवनिंग डियर पेरेंट्स, द प्रोग्राम विल स्टार्ट विद इन 10 मिनट्स, थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। तो गाइस टाइम पे पहुंच गए हम, लेट नहीं हुए बिल्कुल भी, हमें लगा था हम लेट हो गए। अभी तो पेरेंट्स लोग आ ही रहे हैं। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन ऑफ द प्रेजेंट हियर, ladies and gentlemen, a warm welcome to our 8th annual day celebration. Are you ready? Yes. Yes. Namaste. I'm greeting to all our presenters here. I am your host day 2 and I am being here on day 1. We came to this session in the ceremony to call Shri Chaitanya Prasad Karan Bhaktan.
जा रहा है। पिकॉक बना था तो चलते हैं फटाफट से बाहर रोनी को लेने। बहुत भीड़ हो रही है, सब पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को ले रहे हैं। रोनी मिल गया हमें। रोनी ने पिकॉक का डांस किया था लेकिन पहचान में नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत दूर से बनाए वीडियो है ना। रोनी ये देखो मिशू मिली भैया को, मिस कर रही थी। हाँ मिशू भैया ने कौन सा डांस किया था, कौन सा डांस किया था मेरा भाई। तो फंक्शन अब खत्म हो गया, सब लोग घर निकल रहे हैं। गाइस हो गया रोनी का एनुअल फंक्शन, तो अब चलते हैं फटाफट से घर। मोर वाला आया था ना, समझ गई थी रोनी आ गया क्योंकि रोनी बना था मोर, लेकिन वो ड्रेस ऐसी थी तो उसमें पहचान भी नहीं आ रहा, सारे बच्चे सेम लग रहे थे। खैर रोनी का मैंने लिया था क्लोजअप। मैं रोनी पता कब से वेट कर रही थी रोनी का, अब आएगा, इतने सारे बच्चों को चला गया आने का। रोनी का काफी लेट आया है ना रोनी, आप लोग भी कब से वेट कर रहे होंगे ना, गाने के बाद सुन रहे होंगे बैठ के। मैं भाई सोची मैंने कहा रोनी थक गया होगा, मैं तो 2 घंटे से 1 रूम में था। 2 घंटे नहीं बेटा, ज्यादा
शर्म हो गई बेटा, मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे करेगा क्या करेगा, अच्छा कर रहा था रानी, अलग ही कमर मटका था रानी। बताओ कैसा लगा आपको अपना प्यार देना? अब तो मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करूँगा। क्यों, अच्छा किया था आपने कितना? क्यों पर ना बाबा ना, थक गए आज? शाम हो गया सुबह से, एक घंटा लगेगा मैं पहुंचने में, एक से ऊपर ही लगेगा, काफी दूर था फंक्शन। देखो पीछे लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आया जैसे आपसे स्कूल वालों ने जो कहा था शॉर्ट टी शर्ट चाहिए, शॉर्ट्स चाहिए, टाइट्स, उसका कुछ यूज ही नहीं था, क्योंकि पूरी ऊपर से नीचे से पूरी फुल ड्रेस थी इनकी पिकॉक वाली, पता नहीं हो क्यों उसकी टेंशन थी है, उसका कोई समझ नहीं आया नहीं तो, वो तो अंदर ही छुप गया सब कुछ जो इतनी टेंशन दे दी पहले। लेकिन रानी देखो जो आपकी जो शॉर्ट थी टी शर्ट जो बोला था मैम ने, जो शॉर्ट थी टाइट्स नीचे की, उसका यूज हुआ कहीं किसी बच्चे का? सब बच्चे पहन के आए थे लेकिन कहाँ यूज हुआ उसका बताओ? सिर्फ ड्रेस ही तो बनाई इसके ऊपर, कोई कलर की बना देते, जैसे बोला था कि ब्लैक कलर का ही चाहिए ऊपर का नीचे का, तो पहन के ही नहीं आया। हाँ मुझे पता था, हम ही परेशान हो गए इतनी ज्यादा, इतनी परेशानी क्रिएट कर दी कि ब्लैक कलर में ही चाहिए। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगे, लाइक करें शेयर करें।